हमारे लेक्चर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मराठी का लेक्चर अभी देखा, आपका लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, आप लोग फ़ायदा उठाइए। हम शुरू करेंगे सर्कल। जो सर्कल अभी जो शुरू हुआ था हमारा, हमने बहुत बेसिक कंसेप्ट उसके देखे थे। मैं अब फर्स्ट लेक्चर की बजाय जो पीछे का लेक्चर है बस उसकी कुछ हम थोड़ा यादा देखते हैं, उसको रिपीट करते हैं 1-2 मिनट में, और फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3:3 पर जाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मस करने वाले दायरे, बराबर मस करने वाले दायरे देखा था, तो बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, उसके टर्म्स कंडीशन, उनके मसले देखे थे, उसके ऊपर हमने एक्सरसाइज सॉल्व करे थे। कुछ मैं सरसरी तौर से बताता हूँ, क्या मस करने वालों के मराकिस और तमासी नुक्ता हमखत्ती होते हैं, एक खसूसियत हमने देखे थे। मस करने वाले दायरों के मराकिस और तमासी नुक्ता हम खत्ती होते हैं। फिर बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, याद रखो जो दायरे बैरूनी तौर पर मस करते हैं उनके मरकजों का दरमियानी फासला, जो दायरे बैरूनी तौर पर मस करते हैं उनके मरकजों का दरमियानी फासला निस कुतर के मजमुए के बराबर होता है। जो दायरे अंदरूनी तौर पर मस करते हैं उनके मरकजों का दरमियानी फासला निस कुतर के फर्क के बराबर होता है। ये हमने देखे थे, इसके ऊपर मिसालें एक्सरसाइज कीमतें निस कुतर की कीमतें दी हुई थी R1 R2। पहले जो बड़ा दायरा था उसका निस कुतर R1 फर्ज करे थे, जो छोटा दायरा था उसका निस कुतर R2 फर्ज करे थे, है ना। चलो हम शुरू करते हैं अभी एक्सरसाइज 3:3। देखिए कुछ स्लाइड के जरिए आपको कुछ नहीं समझा तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है। दायरे का कोस एक्सरसाइज 3:3 हमको समझने से पहले ये दायरे का कोस जो है अच्छे से समझ लेंगे। जैसा हमने देखे हर एक्सरसाइज के पहले, जैसा हमने 3:2 के अंदर जो देखे उसमें मस करने वाले दायरों के जो मसले थे उनकी जो खसूसियत थी, उसी के ऊपर जो है एक्सरसाइज 3:2 था, 3.2 था। तो हमने पहले मस करने वाले दायरों को समझे, सेम इसी तरह 3.1 के अंदर जो है दायरे की बुनियादी खसूसियत थी तो उसको समझे। तो 3:3 में दायरे का कॉस है, देखो किस तरीके से काते खत की वजह से दायरा 2 हिस्सों में तकसीम होता है, दायरे के कॉस को हम समझेंगे, बराबर। 2 हिस्सों में कौन कौन सा, मैं यानी जो बात आपको एक्सप्लेन करूँगा वही इसमें लिखी हुई है। इनमें से कोई हिस्सा और काते खत के दायरे पर वाके दो नुकात से मिलकर हासिल होने वाली शक्ल का दायरे का कॉस कहते हैं। मतलब दायरे का एक हिस्सा अगर लेंगे तुम, दायरे का जो मुहित का कोई एक हिस्सा लेंगे तो उसका एक पहला और आखिरी नुकात रहेगा, वो दायरे का कॉस कहलाएगा। आगे देखेंगे हम, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दायरा और काते खत के नुक्ते तकाते को कॉस के इख्तितामी नुकात या कॉसैन के सिरे कहते हैं। चलो अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कॉस किस तरीके से बनता है। शक्ल में जो खत ये दिखाई दे रहा है,
खत के जो है वो काते खत, यानी दायरे को कता कर रहा है, और ए भी जो है वो कता है, ए भी जो है कता है, उसको हम जो कता ए भी है उसको दायरे का वितरी भी कहते हैं, कता ए भी जो है उसको दायरे का वितरी भी कहते हैं, और जो खत के है, जो खत के उसे काते खत कहते हैं, क्योंकि वो दायरे को दो नुक्तों पर कता कर रहा है। अब देखो तो ये जो काते खत है यही दायरे को दो हिस्सों में तकसीम करता है, बराबर, एक दायरे का छोटा हिस्सा होता है और एक दायरे का बड़ा हिस्सा होता है। तो देखो जो नीचे रेड कलर से जो इंडिकेट किया हुआ है, बराबर, वो दायरे का छोटा कोस है, और ऊपर का जो दायरे का जो है वो बड़ा कोस है। उनके नाम किस तरीके से लिखते हैं, मैथमेटिकली किस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करते हैं, हम देखते हैं आगे। देखो पूरे दायरे को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक रेड हिस्सा और एक येलो। तो जो रेड हिस्सा है उसे अजगर कॉस कहते हैं, और जो येलो है उधर बड़ा उसे अकबर कॉस कहते हैं। तो देखो अजगर यानी कि छोटा, और अकबर के मतलब होता है बड़ा। तो अजगर और अकबर किस तरीके से पूछे, अकबर कॉस के अंदर दायरे का मरकज शामिल होता है हमेशा, अकबर कॉस में दायरे का मरकज शामिल होता है और अजगर कॉस में नहीं होता। दायरे का जो कॉस बड़ा होता है उसके अंदर दायरे का मरकज मौजूद होता है, इसलिए उसे अकबर कॉस कहते हैं, और जिसमें मरकज मौजूद नहीं होता उसे अजगर कॉस कहते हैं। देखिए इसे आपको दो अलग अलग हिस्सों के अंदर दायरा बताया है साफ तौर से, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अब यहाँ पर दो बातें बताई है, कॉस लिखने का, कॉस के नाम लिखने का तरीका बहुत बेसिक चीज है, यह स्लाइड के अंदर बहुत बेसिक चीज है, अकबर कॉस अजगर कॉस। कॉस का नाम दो हरफी और तीन हरफी, बराबर, तो ए एक्स बी कॉस, या आप उसको ए बी कॉस भी लिख सकते हैं। अजगर कॉस की बात कर रहा हूं मैं, जो येलो में है उसमें दरमियानी नुक्ता एक्स है, तो आप उसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, ए बी कॉस ए बी यानी इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डायरेक्ट, पहला उसका नुक्ता और इख्तितामी नुक्ता कॉस ए बी, या दरमियानी नुक्ते को शामिल करते हुए लिख सकते हैं कॉस ए एक्स बी, कॉस ए एक्स बी। दूसरा अकबर कॉस ए बी कॉस, अकबर कॉस वो भी ए बी बनेगा, बराबर, कॉस ए बी, और उसको दरमियानी नुक्ते को उसको अगर शामिल कर रहे हैं तो कॉस ए वाई बी, यानी दो हरफी भी लिख सकते हैं आप और तीन हरफी भी लिख सकते हैं। ये लिखने का बेसिक तरीका है कॉस के नाम लिखने का, बराबर। इस तरीके से जैसा अभी कॉस अलग अलग नहीं है, ए बी, अगर कॉस ए बी ले रहे हैं हम तो अजगर कॉस भी बन रहा है, और कॉस ए बी ले रहे हैं इख्तितामी नुकात तो वो अकबर कॉस भी बन रहा है। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये रहता है कि दरमियानी नुक्ते को आप शामिल कर लिया जाए, जैसा अकबर कॉस आया तो ए वाई बी कॉस ए वाई बी, अकबर कॉस कॉस ए एक्स बी अजगर कॉस, ऐसा। तो इसके अंदर आप दरमियानी नुक्ते को जैसे शामिल करते हैं तो एकदम वाजह हो जाता है कि ऊपर वाला अकबर है और नीचे वाला अजगर है। मरकजी जाविया, जिस जाविये का राशि नुक्ता दायरे के मरकज पर वाक्य हो, इस जाविये को मरकजी जाविया कहते हैं, है ना। सीधी सी बात है, जो जाविया दायरे के मरकज पे बन रहा है, जो मरकज पे बन रहा है, जिसका राशि नुक्ता मरकज है उसे मरकजी जाविया कहते हैं। यहाँ पर नाम भी बताया गया है क्या, ए ओ बी। इसी तरह काते खत की जैसा ये मरकजी जाविया है, तो काते खत की तरह ये भी दो हिस्सों में तकसीम होता है, जैसा अभी फिलहाल इसमें देख लो अजगर कॉस अकबर कॉस, इसके दो हिस्से देखेंगे।
इसके अंदर भी असगर कौस और अकबर कौस और मरकजी जाविया भी इसमें दो है, जैसा इसके अंदर ए ओ बी और दूसरा वो जो उसके पीछे का है वो भी ए ओ बी, यानी दो, एक बड़ा जाविया, बड़ा मरकजी जाविया और एक छोटा मरकजी जाविया। देखो किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। मरकजी जाविया काते खत की तरह मरकजी जाविये की भी जो रेड में दिखाया गया है वो हिस्सा मरकजी जाविया है। हाँ, यहाँ पर मरकजी जाविये के अंदर जो जाविये के रास के अंदर जो कोस आता है, समझे, मतलब जो जाविये के रासेन, जाविये के रासेन जो ऊपर कोस को कता करते हैं, और जाविये के अंदर जो कोस आता है उसे मकतुआ कोस कहते हैं, याद रखो। और इसकी टर्म्स और कंडीशन यानी इसकी एक खसूसियत है, यानी जो मरकजी जाविये की पैमाइश रहेंगी, याद रखो, जितनी पैमाइश मरकजी जाविये की रहेगी उतनी ही पैमाइश मकतुआ कॉस की रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर जाविया ए ओ बी 60 डिग्री का है तो मकतुआ कॉस भी 60 डिग्री का रहेगा। देखते हैं हम आगे की स्लाइड। देखो मकतुआ कॉस है, इसके जो दायरे की इसमें आता है ये असगर मकतुआ कॉस और इसके पीछे वाला अकबर मकतुआ कॉस। मकतुआ कॉस की पैमाइश बराबर मरकजी जाविये की पैमाइश, जो मैंने अभी आपको बताया कि मरकजी जाविये की में जितनी पैमाइश बनती है उतनी ही मकतुआ कॉस की पैमाइश रहेगी। एक एग्जाम्पल के जरिए उसको देखेंगे हम। देखो जाविया ए ओ बी अगर 60 डिग्री है, जाविया ए ओ बी अगर 60 डिग्री है तो कॉस ए पी बी 60 डिग्री रहेगा। ये बात आप जहन नशीन कर लें, कॉस अगर ए ओ बी 60 डिग्री है तो ए पी बी भी 60 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि मरकजी जाविये की पैमाइश मकतो कॉस की पैमाइश के बराबर होती है। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई चीज नहीं समझी तो पूछना। अकबर कौश और अजगर कौश को प्रेजेंट किया गया है, इसको देख लो अच्छे से। अकबर कौस और अजगर कौस को इसमें प्रेजेंट किया गया है, इसके नाम लिखने का जो तरीका है वो बताया हुआ है, फिर मरकजी जाविये की पैमाइश बराबर मकतुआ कौस की पैमाइश उसको प्रेजेंट किया गया है। देखते हैं हम नेक्स्ट लाइन, स्लाइड के अंदर कुछ बेसिक चीजें ही है। देखो इसे जहन नशीन कर ले, बहुत सिंपल है कि जिस जाविये का रास मरकज के दायरे के मरकज पर हो इस जाविये को मरकजी जाविया कहते हैं। ये देखे हमने, जिस जाविये का रास यानी राशि नुक्ता दायरे के मरकज पर हो इस जाविये को मरकजी जाविया कहते हैं। कोस की पैमाइश की तारीफ, अजगर कोस की पैमाइश इसके नजदीकी मरकजी जाविये के पैमाइश के बराबर होती है। बराबर जैसा हमने देखे अजगर कोस, ये देखो इधर ये छोटा जो है ये अजगर कोस है, तो उसके जो नजीरी मरकजी जाविया है उसकी पैमाइश के बराबर होती है। दूसरा, नजीरी अजगर कॉस अकबर कॉस की पैमाइश बराबर 360 डिग्री माइनस नजीरी अजगर कॉस की पैमाइश। देखो इधर बहुत आसान है, जैसा अकबर कॉस नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखेंगे, अकबर कॉस और 360 जो है, अगर हमको अकबर कौस की पैमाइश मालूम करना है, बड़े कौस की पैमाइश मालूम करना है, तो मुकम्मल दायरे की पैमाइश कितनी रहती है? मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 डिग्री रहती है। बराबर, तो मुकम्मल दायरे में से वो रेड वाला हिस्सा माइनस करेंगी, असगर कौस माइनस करेंगी, तो क्या बनेगा? बराबर अकबर कौस, अकबर कौस की पैमाइश इक्वल टू 360 माइनस असगर कौस। आई बात समझ में? अब
सेम इसी तरह आप असगर कॉस भी मालूम कर सकते हैं। असगर कॉस बराबर 360 डिग्री माइनस अकबर कॉस। असगर कॉस की पैमाइश बराबर, यानी आपको अगर असगर कॉस की पैमाइश मालूम करना है, सिर्फ रेड वाले की पैमाइश मालूम करना है, तो पूरे दायरे में से आप येलो वाला जो हिस्सा है अकबर कॉस वो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, असगर कॉस बराबर। निस्फ दायरे के कॉस की पैमाइश 180 डिग्री होती है। सीधी सी बात है, मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 डिग्री रहेगी, तो निस्फ दायरे की पैमाइश भी 360 डिग्री रहेगी, सॉरी निस्फ दायरे की कॉस की पैमाइश 180 डिग्री रहेगी। 300 360 का आप हाफ कर लो। दो कोसाइन के निस्फ सूत्र और पैमाइश मसावी हो तब वो मुतमासिल होते हैं। दो कोसाइन के निस्फ सूत्र और पैमाइश मसावी हो तो वो मुतमासिल होते हैं। सीधी सी बात है, दो कोसाइन के निस्फ सूत्र मतलब अगर दो दायरे हैं, अगर उनके निस्फ सूत्र जो है मसावी है, पैमाइश मसावी है, जैसे दो दायरे हैं, देखो इसमें निस्फ दायरा बताया गया है 180 का, 180 का दो दायरे हैं, अगर उनके निस्फ सूत्र पास सम के रहेंगे तो दोनों दायरे मुतमासिल रहेंगे, उनके कॉस मुतमासिल रहेंगे बराबर। चौथे में जो है बताया गया है कि एक ही दायरे के कॉस ए बी सी और कॉस सी डी ई हो में जब सी सिर्फ एक ही नुक्ता मुश्तरिक है, जब नुक्ता मुश्तरिक है तो हम दो दायरों की दो कॉस की जमा कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर डायग्राम के अंदर दूसरे नुक्ते हैं, जैसा ई सी डी ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर देख लो, कॉस ई सी डी जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है लाइन के जरिए, कॉस ई सी डी तो यहाँ दो कॉस से मिलकर बना हो रहा है, कॉस ई सी डी बराबर कॉस ई सी जमा कॉस सी डी। याद रखो कॉस की जमा का जो मसला है, यहाँ पर कॉस ई सी डी दो कॉस से मिलकर बनता है, कॉस ई सी जमा कॉस सी डी, वही बात इधर बताया गया है। एक ही दायरे या मुतमासिल दायरे के मुतमासिल कोसाइन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं। एक ही दायरे या मुतमासिल दायरे यानी अलग अलग हो, यानी एक जैसे हो, एक जैसे निस्फ सूत्र वाले हो, दायरा एक ही हो या दो अलग अलग हो तो वो एक ही निस्फ सूत्र वाले हो। याद रखो कि मुतमासिल कोसाइन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल कोसाइन क्या, देखो इधर बताया गया मुतमासिल कोसाइन के जैसा दूसरे डायग्राम में बताया गया है, वित्र ए बी और वित्र सी डी, अगर देखो ए बी वित्र बराबर है सी डी वित्र के तो उसके कॉस भी नजरी कॉस भी मुतमासिल रहेंगे, ए बी कॉस मुतमासिल है सी डी कॉस के। छठा देखो, एक ही दायरे या मुतमासिल दायरे के मुतमासिल वित्र के नजीरी कॉस मुतमासिल होते हैं। ऊपर जो है कॉसेन लिखा हुआ था, नीचे वित्र लिखा हुआ है बराबर। देखो सी डी कॉस अगर कॉस मुतमासिल है तो वित्र भी मुतमासिल रहेंगे, और अगर वित्र मुतमासिल है तो नजीरी कॉस भी मुतमासिल रहेंगी। ये चीज ध्यान रख, दायरा एक हो या मुतमासिल दायरे हो। तो अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक पर, एक्सरसाइज के ऊपर। अगर आपको जितनी हमने बेसिक चीज़ें देखे, बेसिक मालूमात देखे, अगर वो कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़े होंगे वो, तो आपको एक्सरसाइज 3:3 आराम से समझ में आएंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, बाद में आप इसको जो है अच्छे से समझ सकते, सारे जो पॉइंट्स हैं नशीन कर लो। 1 मिनट में यहाँ पर देता हूँ आपको, एकदम सीधा एक्सरसाइज 3.3 पर जाएंगे।
चलो शुरू करते हम। ये जो डायग्राम थी ये ब्लैंक थी, हमने इसको सिलेक्ट करके जो दिया हुआ है वो हिस्से को सिलेक्ट करे हुए, ये आप याद रखो। सी मरकज वाले दायरे पर ई डी जी और एफ नुकात वाक़े है। सी मरकज वाले दायरे पर ई डी जी और एफ नुकात वाक़े है। जाविया ई सी एफ की पैमाइश 70 डिग्री है और कॉस डी जी एफ की पैमाइश 200 डिग्री हो तो कॉस डी ई और कॉस डी ई एफ की पैमाइश मालूम कीजिए। देखो सर, सवाल के दो हिस्से होते हैं, पहले तो क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है, ये दो चीजें पहले तो आपको समझ में आना चाहिए। सवाल में दो पार्ट होते ही है, क्या हमको क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। बाज़ औक़ात हम जो चीज़ दी हुई है वो सही से समझ नहीं पाते, अगर वो गलत समझे हम तो पूरा सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। और क्या मालूम करना है, अगर वो हमने गलत समझे, क्या मालूम करना है अगर वो हमने गलत समझे तो जो है तो भी सवाल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ये दो चीज़ें बहुत, यानी पूरे मुकम्मल सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो डायग्राम में जो चीज़ें मैं दिया हुआ है, डी जी एफ जो है हमको 200 डिग्री दिया हुआ है, ई सी एफ की पैमाइश 70 डिग्री, मालूम क्या करना है जो इससे छुटा हुआ है डी ई और ई एफ बराबर। अगर हम ऐसा ओरली देखें तो जो ई एफ है वो तो जो है 70 डिग्री हो जाएगा, यानी आप ओरल भी पूरे दायरे की पैमाइश, क्योंकि मरकजी दायरे की पैमाइश जो रहती है वही 70, एक कॉमन सेंस है कि ओरली आप इसको हल कर सकते हैं। देखो समझना एक अलग चीज़ है और उसको मैथमेटिकली पेपर पे प्रेजेंट करना एक अलग चीज़ है, और तुमको जो मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में वो प्रेजेंटेशन के ऊपर मार्क्स मिलते हैं कि आप किस तरीके से उसको लिख रहे हैं बराबर। जैसा अभी मैं ये सवाल बता रहा हूँ कि जो ई सी एफ की पैमाइश है वो मरकजी जाविया 70 डिग्री है, तो उसके सामने वाले जाविये की पैमाइश भी उतनी रहेगी, मतलब ई एफ की पैमाइश उतनी ही रहेंगी जितनी जाविया ई सी एफ की रहेंगी, मतलब 70 डिग्री बराबर। डी जी एफ और जमा ई एफ कर दो तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। मुकम्मल दायरे की पैमाइश जो है 360 डिग्री है, 360 में से आप 270 माइनस कर लेंगे तो आपको जो है जवाब मिल जाएंगे। 360 में से 270 आप नफी कर लेंगे तो आपको डी ई आ जाएगा, और डी ई ए क्या आया आपका 90 डिग्री बराबर। चलो हम उसको मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं, पहले जो चीज़ दी हुई है वो लिख लेंगे। दिया हुआ है ई सी एफ 70 डिग्री और जाविया, देखो वही बात बताया, जाविया ई सी एफ मेजर ऑफ कॉस ई एफ, मकतौ कॉस का मसला है जो मरकजी जाविये का मसला है। जाविया ई सी एफ बराबर मेजर ऑफ कॉस ई एफ, ई सी एफ कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, तो मेजर ऑफ जो कॉस ई एफ है वो भी कितना रहेगा 70 डिग्री बराबर। अब देखो यहाँ पर वो एक खसूसियत का इस्तेमाल, इसको प्रेजेंटेशन करा हुआ है ओरली तो जो है हमने जवाब निकाल लिए, अब उसको सही तरीके से किस तरीके से, पहले अब हमको मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 डिग्री है तो इसमें कितने कॉस प्रेजेंट किया गया है, तीन कॉस डी जी एफ ई एफ और डी ई, ऐसे तीन कॉस प्रेजेंट किया गया है तो तीनों की जमा मिला, तीनों की जमा तीनों कॉस मिलकर मुकम्मल दायरा बनता है और मुकम्मल दायरे की पैमाइश है 360 डिग्री। मेजर ऑफ कॉस डी जी एफ प्लस मेजर ऑफ कॉस ई एफ प्लस मेजर ऑफ कॉस डी इक्वल टू 360 डिग्री। उन्हें
उनकी कीमतें रख देंगे DGF बरा 200, EF 70 डिग्री बराबर, और DE जो है हमको मालूम करना है इक्वल टू 360 डिग्री। टू सेवेंटी इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, मेजर ऑफ कॉस DE इज इक्वल टू 360 माइनस 270। DE मेजर ऑफ कॉस DE इक्वल टू 90 डिग्री, याद रखो जाविया DCE 90 डिग्री रहेगा, तो उसके सामने का जो कॉस है वो भी कितना रहेगा, 90 डिग्री का। DE आपको क्या मालूम करना है, DEF, तो DEF दो जावियों दो कॉस से मिलकर बनता है, कॉस DE जमा कॉस EF, तो 90 प्लस 70 यानी वह 160 डिग्री जवाब आ जाएगा तुम्हारा बराबर। लेकिन उसको पेपर पर मैथमेटिकली आपको प्रेजेंट करना है इस तरीके से, देखो मेजर ऑफ कॉस DEF बराबर मेजर ऑफ कॉस DE प्लस मेजर ऑफ कॉस EF, दो कॉस मिलकर कॉस DEF बनता है, कॉस DE 90 दर्जे है, कॉस EF 70 डिग्री है, कॉस DEF इक्वल टू 160 डिग्री। ये हमारा जो है फाइनल जवाब आ गया जो हमसे पूछा गया था, क्या मरकज वाले दायरे पर, सी मरकज वाले दायरे पर ED, GE, ED, GE और F नुकात वाके है, ECF की पैमाइश 70 डिग्री और cos DGF की पैमाइश 200 डिग्री हो, तो cos DE और cos DEF की पैमाइश मालूम कीजिए बराबर। ये बात याद रख, आप ये सवाल को जो है रिकॉल कर लो, अगर आपको नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक सिंपल और देखो सिंपल और सादा क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट के बाद ये सिंपल सवाल आसानी से हल कर पा रहे हो, आसानी से समझ में आ रहा है, तो जो टफ क्वेश्चन रहते हैं, हॉट क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको आसानी से समझ में आएंगे और आप उसको हल भी करेंगे। अगर आपका बेसिक नॉलेज कमज़ोर है, जैसा ये दायरा है, दायरे के बारे में आपको मालूम सही है, तो जो है आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। चलो फिर हम एक सवाल और ले लेते हैं, मुसल्लस QRS मुसायुल इस्लाम मुसल्लस है, तो दिखाइए कि QR cos मुतमासिल है, QS cos मुतमासिल है, RS cos, दो cos QRS की पैमाइश 240 डिग्री है। इसको भी तुम आसानी से ओरली हल कर सकते हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, तुम्हारी बेसिक नॉलेज अच्छा है, तो तुम बहुत आसानी से हल कर सकते हो। देखो मैं आपको अभी ओरली बताता हूँ, पहले तो आपको मुसाइल इज़ला मुसल्लस आपको मुसल्लस के बारे में मालूम रहना चाहिए, मुसल्लस की 6 किस्में यहाँ पर दिया हुआ, 3 जिलों के अतबार से, 3 जावियों के अतबार से। यहाँ पर मुसाइल इज़ला मुसल्लस बोला गया है, तो आपको पता रहना चाहिए कि मुसाइल इज़ला मुसल्लस किसे कहते हैं। मुसाइल इज़ला मुसल्लस उसे कहते हैं कि जिसके तीनों ज़िलों की लंबाई, तीनों इज़ला मुतमासिल होते हैं, अगर एक इज़ला जो है 10 सम का है तो तीनों इज़ला 10 सम के रहेंगे, तो मुसाइल इज़ला उसे कहते हैं कि जिसके तीनों ज़िलों की लंबाई या मुसावी होती है बराबर। अब हमने पिछले में मिसाल देखे कि अगर एक ही कॉस सॉरी एक ही दायरा या मुतमासिल दायरे कि अगर वितर मुतमासिल हो तो उसके नजरी कॉस भी मुतमासिल रहेंगे, और अगर नजरी कॉस मुतमासिल रहे तो उसके वितर भी मुतमासिल रहेंगे बराबर। यह हमने देखी,
चलो तो तीनों दायरे जो है उनकी, अगर तीनों कोस अगर मुतमासिल है तो तीनों की पैमाइश कितनी रहेंगी? 360 को आप 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं तो 120 120 रहेगा, तो एक हिस्से की पैमाइश, एक कोस की पैमाइश 120 डिग्री रहेंगी। तो पहला सवाल भी आ गया मुसलसल मुसलस से, दूसरा भी आ गया कॉस क्यू आर एस, यानी जब एक की 120 है तो आप क्यू आर एस में दो कॉस है, दो की जमा कर देंगे तो दो की 240 डिग्री रहेगी। एकदम सिंपली जो है हमने ऑरली इसको हल कर लिए, आप इसको मैथमेटिकली प्रेजेंट करेंगे देख किस तरीके से। मुसलस क्यू आर एस मुसाइल इजला मुसलस है, ये चीज दी हुई हमको। क्यू आर कता मुतमासिले आर एस कता मुतमासिले क्यू एस कता, ये चीज दी हुई हमको। क्यों? क्योंकि ये मुतसाइल इजला मुसलस है, तो इसके अंदर जो तीनों कतात है, तीनों जो वितर है, जहां पर क्यू आर एस मिलकर एक मुसलस बनता है, वहीं पर ये दायरे के अंदर वितर भी है और कातः खत भी है। दायरे में वितर भी है और कतः खत भी है, तो क्यू आर कता बराबर आर एस कता बराबर क्यू एस कता। हाँ, ये तीनों एक दूसरे के बराबर क्यों है? क्योंकि ये मुसाइल इजला मुसलस है। सेम जो हमारी खसूसियत है कि मुतमासिल वितर के नजरी कोसाइन मुतमासिल होते हैं, हमने उसमें पढ़ा था कि जहन नशीन कर लीजिए। तो क्यू आर आर एस कॉस मुतमासिल है क्यू एस कॉस, मुतमासिल है क्यू आर कॉस, बराबर ये एक दूसरे के मुतमासिल है, इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है। खसूसियत वो ऊपर की जो लाइन है वो कहाँ से आई, ये आपको जहन में रहना चाहिए, तो आपको वहां पर रेफरेंस देना चाहिए कि मुतमासिल वितर के नजीरी कोसाइन मुतमासिल होते हैं। पहला तो साबित हो गया, दूसरा मेजर ऑफ कॉस साबित करना है क्यू आर एस बराबर 240 डिग्री, बराबर ये याद रख। जिस तरीके से हमने पहला सवाल हल करे मुसाइल इजला मुसलस का, सेम इसी तरह दूसरा भी औरालिया मैंने आपको बताया था कि वो किस तरीके से उसका जवाब आएगा, उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, बस ये देखो। अभी ये जो सवाल है बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आता है, लेकिन किस तरीके से लिखना वो नहीं समझता। तो याद रखो पेपर के प्रेजेंटेशन पे आपको मार्क्स मिलते। मेजर ऑफ क्यू आर एस बराबर दो कॉस से मिलकर बना होता है, मेजर ऑफ क्यू आर प्लस मेजर ऑफ आर एस, तो उसको एक नंबर दे देंगे। हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते कि 120 120 नहीं लिख सकते हम, पहले हम मालूम करेंगे किस तरीके से। देखो मेजर ऑफ क्यू आर प्लस मेजर ऑफ कॉस आर एस मेजर ऑफ कॉस क्यू एस बराबर 360 डिग्री, तीनों कॉस मिलाकर जो है दायरा बनता है और दायरे की पैमाइश है 360 डिग्री। अब तीनों जो है एक दूसरे के मुतमासिल है, तीनों कॉस एक दूसरे के मुतमासिल है, तीनों की पैमाइश सेम है, तो किसी तीन को हम एक का ही नाम दे देते हैं क्यू आर, क्यू आर आर एस भी जो है क्यू आर के बराबर है, क्यू एस भी जो है क्यू आर के बराबर, तीनों की जमा कर दी हम। उसको अगर हम एक्स लेंगे तो एक्स जमा एक्स बराबर 3x, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखेंगे 3 मेजर ऑफ कॉस क्यू आर, क्योंकि जमा करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएंगे, बराबर 3 मेजर ऑफ कॉस क्यू आर इक्वल टू 360, 3 उधर जाके बटे में जाएगा तो मेजर ऑफ कॉस क्यू आर 120 डिग्री। तो वो अगर एक 120 का है तो तीनों भी क्या रहेंगे, 120 120 के रहेंगे, क्योंकि तीनों की लंबाइयाँ कैसी है, मसावी है। तो
हमने साबित भी कर दिए और दिया हुआ भी है मुसलस, और हमने पहले सवाल में साबित भी करे कि कॉस आर एस मुतमासिल है कॉस क्यू एस के, जो क्यू एस मुतमासिल है कॉस क्यू आर बराबर, तो क्यू आर बराबर 120 डिग्री। अब एक 120 डिग्री का है तो देखो जरा, 100 दोनों रहेंगे 120, तीनों भी 120 120 के रहेंगे, तो मेजर ऑफ क्यू आर एस बराबर मेजर ऑफ कॉस क्यू आर जमा मेजर ऑफ कॉस आर एस 120 प्लस 120 240 डिग्री साबित हो गया है। आप हाँ, यहाँ पर हमने जो देखे दायरा सबक की तीन अशारे तीन के दो सवालात देखे और उसके बुनियादी कंसेप्ट देखे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर रही है। जीशान सर, जीशान सर, हेलो जीशान सर, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा इंशाल्लाह, हम उसमें जो है दायरे के जो है आगे के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर जो है हमारा वक्त जो है ख़त्म हो गया है। आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखो जो हमने जहन नशीन किए हुए है, अकबर कोस, असगर कोस, मकतुआ कोस। अगर आपको जो है ये बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पता है तो सवाल आप देखेंगे कि कितना इजीली ओरली हल हो जाते हैं, उसको फिर हम आसानी से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये बात आप याद रखो। हेलो जीशान सर, जी सर मैं लियो हो रहा हूँ सर। ओके।